टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम यहाँ मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टाना में, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 53 से जिला पंचायत सदस्य श्री अफजाल हुसैन जी। आज हम यहाँ इनसे बातचीत करेंगे कि इन जो पाँच साल का कार्यकाल लगभग बीत चुका है, क्या योगदान इनका विकास कार्यों में अपने पूरे क्षेत्र में रहा है, तो आइए बात करते हैं। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है सर। जैसे कि आप काफ़ी सम्मानित पर्सनैलिटी हैं यहाँ पर, क्षेत्र के सम्मानित नेताओं में शुमार होते हैं, जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में हैं आप। आपका जो कार्यकाल है 5 साल का, वो लगभग समाप्ति की ओर है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस बीते हुए समय में आपने जो भी योगदान यहाँ पर दिया है विकास कार्यों में, उसको लेकर के कुछ जानकारी दीजिए। जिला पंचायत से जितना विकास मिला, जितना हो सका, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे अपने वार्ड 53 में लगभग कुछ ही गांव छोड़ के सब में मेरा विकास हुआ है और चल भी रहा है। कितने गांव लगते हैं आपके वार्ड में? मेरा 17 ग्राम पंचायतें लगती हैं, इसमें 2 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो आधी लगती हैं जी, और बाकी सब तो पूरी लगती हैं। मेरा वार्ड चालू होता है लोहर्रा मिलक से और लास्ट होता है दुमकी भवानिया आधी और भगतपुर। ये भगतपुर दोलप्री अलीगंज किला वाला ये पूरी बेल्ट, कोई सा गांव इसमें ऐसा नहीं बचा जिसमें मैंने विकास नहीं किया। तो लगभग ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर पंचायतों में आपने विकास कार्य जो है पूरी तरह से यहां पर करवाया। जी हां, और रास्ते विकास भी ऐसा जिससे संपर्क मार्ग जोड़ रहे हैं, जिससे मेरे वार्ड 53 कोई नहीं, बामन रामपुर जिला ठाकड़ द्वारा से जितने भी रास्ते मैंने जोड़े हैं उनमें सबको ही फायदा हुआ है जी। जैसे कि सर यहाँ पर जो है कोई भी जनप्रतिनिधि है, कोई भी नेता है, वो एक नेता से हटकर सबसे पहले एक सामाजिक व्यक्ति है, तो इस सामाजिक स्तर पर आपने क्या योगदान यहाँ पर जनता को दिया है? जनता ने आपको सराहनीय ये आपको पद सौंपा है, काफ़ी उम्मीदें और जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर लोगों ने लगाई हैं, तो उसमें आपका क्या योगदान रहा एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पर? देखिए, जैसा अभी पीछे कोरोना का चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, उसमें मेहनत मजदूरी जो गरीब लोग थे उनकी सारी बंद हो चुकी थी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हुआ अपने क्षेत्र में, अपने ब्लॉक भगतपुर की बात कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हुआ उसमें गरीबों का योगदान करा हमने और जितनी भी मदद हो सकी वो हमने करी जी। अब जैसे कि चुनाव यहाँ फिर से शुरू होने वाले हैं, नहीं रहा है, और जो अगली तैयारियां हैं आपके आगे आने वाले समय के लिए भी तैयारियां होंगी, तो अब आने वाले समय के लिए आप जनता को किस तरह की उम्मीदें उन्हें फिर से जगा रहे हैं, या जैसे कि कुछ काम जो अभी इस कार्यकाल में अधूरे रह गए हैं आपको लगता है कि नहीं हो पाए किसी वजह से, तो उनको लेकर के आगे आने वाले समय के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस वर्ष तो वाले साहब का इंतकाल हुआ था, तो यहाँ की वार्ड 53 की पब्लिक ने जितनी भी मेरे वार्ड में ग्राम पंचायतें लगती हैं उनका मुझे प्यार मोहब्बत मिली और मैं जिला पंचायत सदस्य बना। आगे की जो विकास कार्य है जितने भी गांव रह गए इंशाल्लाह फिर पब्लिक के बीच में जाऊंगा इसी उम्मीद से, जो वो प्यार मोहब्बत मुझे दें और इंशाल्लाह मैं आगे को जो भी गाँव रह गए वो काम पूरा मैं कराऊँ। एक जो जिला पंचायत सदस्य होने के नाते जो भी विकास कार्य आपने अपने क्षेत्र में कराए हैं, जितने भी ग्राम पंचायत लगती हैं, वो तो सराहनीय है ही जो भी आपने कराया है, लेकिन इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि एक नेता के तौर पर क्या ऐसा है कि केवल जिला पंचायत सदस्य के ऊपर जो जिम्मेदारी आती है केवल वो ही आपने निभाई है, या अपनी जनता को आपने अपना मानकर उनकी और समस्याएं भी सुनी है और भी मदद उनकी करी? जी बिल्कुल, जैसे बिल्कुल भी सुख दुख में उनके हर टाइम 24 घंटे में रात दिन रात कोई सा समय ऐसा नहीं छोड़ा जो उनके काम में नहीं आया, किसी भी टाइम किसी भी समुदाय के हिंदू हो या मुस्लिम किसी ने भी पुकारा उसके साथ आधी रात खड़े रहे, जनता से संपर्क आपने लगातार बनाए रखा। बिल्कुल बिल्कुल, और पक्षपात की राजनीति कोई नहीं करी, किसी भी तरीके की कोई से भी समुदाय का आया किसी भी टाइम आया आधी रात आया उनके साथ खड़े रहे, उनके सुख दुख में सामने।
अब आगे आने वाले समय को लेकर के आप सरकार से किस तरह की मांग रखना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? हालांकि विकास जितना आपने कराया है, काफी हद तक कराया है, इसमें जारी हुई बनी हुई है जो कि क्यों है, तो उनको लेकर के सरकार से किस तरह की मांग रखनी चाहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट से क्या है, विकास कार्य में धीमी गति थी। मैं तो यही चाहूँगा जितना भी अभी और बाकी रहा है जिला पंचायत का समय, उसमें विकास कार्य में तेजी बरतती है, जिससे जितना विकास रुका हुआ है वो पूरा हो जाए। और कल को हम किसी भी गांव, किसी भी ग्राम पंचायत में पहुँचे तो हम गवर्नमेंट के लिए ये कहें कि विकास कार्य में तेजी होने की वजह से ये काम हो पा रहा, जिससे कल को हमारा भी मुद्दा रहे और हम भी गवर्नमेंट के लिए तारीफ करें। जी, आगे आने वाले समय के लिए चुनाव के लिए खास तौर से क्या मुद्दा आपका रहेगा? देखिए, मुद्दा क्या रहेगा, सबसे पहला मुद्दा तो विकास, जब जनप्रतिनिधि मेरे वार्ड बनाया है तो विकास तो मुझे करा नहीं था। मेरा मेन मुद्दा रहेगा हर वर्ग के साथ, जो सुख दुख में मैं साथ रहा हूँ, उनके कंधे से कंधा बना के मिला के चला हूँ, सबसे मेन मुद्दा मेरा ये रहेगा। दीपावली नजदीक है, आने वाली है, नवरात्रि हमारे चल रहे हैं, इसको लेकर के क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत पूरे क्षेत्र में, पूरे भगतपुर जिले को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और दीपावली का त्यौहार है, मेल मोहब्बत का त्यौहार है, आपस में एक दूसरे को बधाई दो, जिससे आपस में प्यार बना रहे। जैसा कि आपने देखा, अफजाल हुसैन जी से हमने यहाँ बातचीत की है। काफ़ी विकास इन बीते 5 सालों में इनके द्वारा अपने पूरे क्षेत्र में करवाया गया है। हर संपर्क मार्ग को जोड़ने की जो भी इनकी कार्यनीति में आती है, पूरी तरह से कोशिश की गई है विकास कार्य को चरम सीमा पर पहुँचाने की। आगे आने वाले समय के लिए भी इनकी कोशिशें लगातार जारी हैं और काफ़ी उम्मीदें जनता को फिर से जगा रहे हैं कि जो विकास कार्य अब इस समय में अधूरे रह गए हैं, उम्मीद है कि वो आगे आने वाले समय में पूरे होंगे और तेज गति से यहाँ पर इस क्षेत्र में वार्ड नंबर 53 में विकास कार्य करवाए जाएंगे। जनता का काफी सहयोग यहाँ मिला है, जिसका जो है नतीजा है कि वो जिला पंचायत सदस्य पर यहाँ कार्यभार संभाले हुए हैं, आगे भी उम्मीद है कि संभालेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो समस्याएं अभी बाकी हैं, मानना है कि सरकार यदि थोड़ी सी मदद और दे, जो विकास कार्य हैं उनमें थोड़ी तेजी बरती जाए, तो पूरा क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा विकास कर पाएगा। अशरफ अली के साथ मिनाजरी, टुडे 24। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ग्रामीण जो वार्ड नंबर 53 की अलग अलग ग्राम पंचायतों में, ग्राम पंचायतों के निवासी हैं। यहाँ पर हम उनसे जानेंगे कि जो जिला पंचायत सदस्य अफजाल हुसैन जी यहाँ मौजूद थे, उनका किस तरह से विकास कार्य में उनका योगदान रहा है, कितने सहमत हैं वो लोग, और आने वाले समय के लिए किस तरह का नेता चुनने का वो अपने विचार अपने मन में रखते हैं। आइए बात करते हैं। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद कयूम है। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं यहीं बहेड़ी का रहने वाला हूँ, जो कि वार्ड नंबर 53 में लगती है। जी, यहाँ जो विकास कार्य हुए हैं अफजाल हुसैन जी द्वारा करवाए गए हैं, उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? उनको लेकर के ये कहना चाहेंगे सर, कि जैसे कि पहले जिला पंचायत बनते थे उसमें हमें पता ही नहीं था कौन जिला पंचायत है, क्या है, कोई उन्होंने काम नहीं कराया, कोई कार्य नहीं कराया, तो पता ही क्या हो जी। अब जब से अफजाल हुसैन बने हैं, 5 साल होने को जा रहे हैं, जो कार्यकाल पूरा होने को जा रहा है, इसमें कोई सा भी गांव ऐसा नहीं है जो जिसमें काम नहीं हुआ है जी। सारा कहीं पुलिया बनवाई है, कहीं सड़कें बनवाई हैं, कहीं जो भी जिस लोगों ने मतलब रोड के लिए कहा है जी, उन्होंने अपना काम कराया है। और मतलब आने वाले समय में भी हम ये चाहते हैं क्या अफजाल हुसैन ही बने, बहुत अच्छा इन्होंने कार्य करा है गांव में, और कोई सा भी गांव ऐसा आप नहीं है। इनके विकास कार्यों से सहमत हैं? बहुत खुश हैं जी, बहुत खुश हैं। आज तक हमें पता ही नहीं था क्या मतलब जिला पंचायत होते क्या हैं, लोगों से तालमेल इनका रहता है, बना रहता है, बहुत अच्छे रिलेशन है जी, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे नेता हैं, और हम चाहते हैं आने वाले वक्त में भी अफजाल हुसैन ही बने। मेरा नाम अफसर अली है। अफसर अली जी, कौन से गाँव के निवासी हैं? मैं फतेहपुर से हूँ। फतेहपुर वार्ड नंबर 53 में लगती है ग्राम पंचायत। हाँ। वार्ड नंबर 53 में सभी ग्राम पंचायतों में जो विकास कार्य हुए हैं जिला पंचायत सदस्य द्वारा, उन्हें लेकर क्या कहना चाहेंगे? काम सब में, सारे गांव में काम कराए हैं अफजाल हुसैन ने जी, और मैं भी यही चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमें ऐसी नीति की जरूरत है
सहमत हैं हम विकास कार्य से। निष्पक्ष जो है विकास करवाते हैं, क्या ऐसा कहीं महसूस होता है कि खाली जो अपने आसपास का इलाका है उसने कराया है या दूर गांव में? ना, दूर दूर तक काम कराए, सारे गांव में काम कराए। सभी गांव में हुआ। और नाम बताइए। जी, मेरा नाम अब्दुल कादिर है मैम। अब्दुल कलीम जी, कहाँ से, कौन से गाँव के निवासी हैं? कोटला नंगला। कोटला नंगला, जो की यहाँ से दूरी पर है। जी, यहाँ जिला पंचायत सदस्य द्वारा जो विकास कार्य करवाए गए हैं उन्हें लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, इनके काम काफी हुए हैं, अच्छे काम कराते हैं। हम चाहते हैं कि आगे भी यही हमारे नेता बने। हालांकि आप सभी यहाँ पर युवा मौजूद हैं, तो क्या लगता है आपको आने वाले समय में किस तरह का नेता चुनना चाहिए? जी मैम, हमारे तो यही नेता अच्छे हैं, आने वाले टाइम में भी यही बने तो अच्छा है। लोगों की समस्याएं सुनते हैं? जी मैम, सुनते हैं। नहीं महमूद। नहीं महमूद जी, कहाँ के निवासी हैं? बहेड़ी के रहने वाले हैं। बहेड़ी के, रोशनपुर बहेड़ी। जी जी, जिला पंचायत सदस्य जी द्वारा जो यहाँ काम करवाए गए हैं विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि अफजाल हुसैन ने काफ़ी काम कराए हैं इस ग्राम में, और आगे भी यही रहें, और इनसे बेहतर आदमी जैसे कि यहाँ पर अफजाल हुसैन जी जो हैं वो धौलपुरी बमनिया के निवासी हैं और आप रोशनपुर बहेड़ी के निवासी हैं, तो क्या ये कह सकते हैं कि केवल अपनी ग्राम पंचायत को ना देख करके और जो ग्राम पंचायत इसमें लगती है, सभी में ही काम कराते हैं? सभी में ही काम कराते हैं जी। अब आने वाले समय के लिए क्या विचार है आपका, किस तरह का नेता आपके यहाँ क्षेत्र में होना चाहिए? नहीं चाहेंगे, आगे भी चाहेंगे। जी, नाम बताइए। सलीम। सलीम जी, कौन से गांव के निवासी हैं आप? रोशनपुर बहेड़ी। रोशनपुर बहेड़ी। यहाँ अफजाल हुसैन जी जो जिला पंचायत सदस्य हैं क्षेत्र के वार्ड नंबर 53 के, इनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? खुश हैं हम तो इनसे, और जो है हमारे गांव में रास्ते वस्तों में पहले गारा रहता था, वो सब हो गए हैं अब कम्प्लीट बढ़िया। जी, जब रास्ते में निकला नहीं जाता था वो अभी हुआ है इनके द्वारा ही। जी मैम, कई रोड के सुधार भी आ गए, मतलब पहले से काफ़ी अब यहाँ पर सुधार आया है। जी, जो ये कहा जाए कि यहाँ पर निष्पक्ष रूप से जो है काम करवाया गया है, जो रास्तों का है, कच्ची सड़कें, ज़्यादातर पहले से अब में बेहतर हुई है। हाँ, पहले से अब बढ़ बेहतर हुई है। ऐसा मान लिया पहले तो जैसे कि वार्ड 53 में जितने भी गांव पड़ते हैं, लगभग एक एक काम नहीं, दो दो बार काम इन नेताजी ने करा चुके हैं, और भी कराने के इच्छुक हैं। जैसे मतलब यह है कि सरकार पैसा भेज रही है, उसी तरीके से काम करा रहे हैं। जी जी जी, और सब इनसे सुनते हैं, घर पे भी जो आते हैं, मतलब उसका ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब यह धोखेधड़ी में रखा जाता है। किसी भी टाइम काम पड़ा आधी रात में भी तैयार है बिल्कुल, और हमें ऐसे ही नेता की जरूरत है जैसे अफजाल भाई। इससे पहले हमें पता ही नहीं था कौन क्या है, कौन नेता है, क्या कर रहा है, कोई पता नहीं। जब से ये बने हैं, ऐसा मान लीजिए वार्ड 53 में सारे ही टोटल गांव में दो दो तीन तीन गांव काम दे रखे हैं उन्होंने, और अब भी मतलब इनके ये है विकास कार्यों से लगभर आप अलग अलग ग्राम पंचायत से यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या लगता है आपको कि सभी ग्रामवासी, हर ग्रामवासी जो यहाँ इस क्षेत्र में लगता है, सभी संतुष्ट? सब खुश हैं, सब खुश हैं, सारे खुश हैं, हम सारे खुश हैं बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा, ग्रामवासियों से हमने यहाँ बातचीत की है, और यहाँ पर अलग अलग ग्राम पंचायतों से निवासी हमारे साथ यहाँ मौजूद थे जो वार्ड नंबर 53 में यहाँ लगते हैं। इनके द्वारा बताया गया है कितने सहमत वो यहाँ अफजाल हुसैन जी के कार्यकाल से हैं, विकास कार्यों से कितने सहमत रहे हैं। काफ़ी विकास यहाँ इन 5 सालों में करवाया जा चुका है। हालाँकि जो रास्ते पहले कभी कच्चे रहा करते थे, गारे कीचड़ से भरे हुए रहा करते थे, सबका कहना है कि यहाँ पर उन सभी में काफ़ी सुधार हुआ है, पहले से अब में काफ़ी बेहतरी इन ग्राम पंचायतों में हुई है, और सबका मानना है कि आने वाले समय में भी ऐसा ही नेता ये यहाँ पर चुनना चाहेंगे। काफ़ी तादाद में जो है यहाँ सहयोग देखने को मिल रहा है अफजाल हुसैन जी के साथ। हम भी उम्मीद करते हैं कि अफजाल हुसैन जी अब भी और आगे आने वाले समय में भी ग्रामवासियों की और अपने क्षेत्रवासियों की उम्मीदों पर खरे उतरें। अशरफ अली के साथ में नाज़रीन, टुडे 24/7।